पटवर्धन विधानसभा सीट से भाजपा की ओर से विनोद कुमार बिन्नी चुनावी मैदान में हैं। सर, किन मुद्दों को लेकर चुनाव में उतर पड़े हैं आप? हमारा एक बहुत फेमस मेरा मुद्दा है मोहल्ला सभा कॉन्सेप्ट, जो मैं इम्प्लीमेंट करता हूँ, जो पहले मैंने वार्ड में रहते हुए दो बार इम्प्लीमेंट किया है, लक्ष्मीनगर में किया है, वही मेरा सेम कॉन्सेप्ट है, क्योंकि वो अपने आप में इतना अच्छा कॉन्सेप्ट है कि उसको लेकर लोगों में पूर्ण संतुष्टि का भाव रहता है। आप क्यों छोड़िए आपने, क्योंकि आपके ऊपर कई सवाल खड़े हो रखे हैं, आप छोड़ के चले गए? दरअसल मैंने नहीं छोड़ा आपको, मैंने तो सिर्फ ये कहा कि आप सही काम करिए। सही काम करने पे उन्होंने मैं कहा कि भाई ये तो देखो आरोप लगा रहा है। मैंने कहा भाई आप लोग बिजली के बिल माफ करने की बात करिए, वो करिए, वो क्यों नहीं किया, पानी के बिल कम करिए, बिजली के बिल काम करिए, जनलोकपाल कहाँ है, वो बाकी चीजें कहाँ है, वो बताने में वो असफल रहे। कोई भी छलने का प्रयास करेगा, हम सब लोगों का फर्ज बनता है हम उनकी एक्सपोज करें। आपके सामने मनीष सिसोदिया है चुनावी मैदान में, तो कितना मुकाबला मान रहे हैं उनके सामने? मुझे लगता है कि झूठ कोई भी मुकाबला नहीं हो सकता है, ना कोई चैलेंज हो सकता है, क्योंकि झूठ के आधार पर कोई चीज खड़ी नहीं हो सकती है। और ये पार्टी सिर्फ झूठ के आधार पर खड़ी हुई, पाखंड के आधार पर खड़ी हुई, दिल्ली की जनता की भावनाओं के साथ इन लोगों ने खेला, एक्सपोज हो गया तो चैलेंज कैसे हो सकता है। अपनी सीट को लेकर कितने आश्वस्त हैं जीत को लेकर? 100%। तो कहीं ना कहीं विनोद कुमार बिन्नी थे जो कह रहे हैं अपनी जीत को लेकर पूरे आश्वस्त हैं, और इस बार मनीष सिसोदिया को हराकर वो विधानसभा में फिर से पहुंचने वाले हैं। कैमरामैन अनिल खन्ना और मेरे सहयोगी विक्रमजीत सिंह के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज दिल्ली।